हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द BSTRTE स्टडी वर्ल्ड। स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि इसका डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब आज अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आपको क्या है सब्स्टिट्यूट, मतलब किसी की जगह दूसरी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और उसके द्वारा आप हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि अब मैं एक क्वेश्चन ही लेके चलता हूँ, जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपके पास में क्या कि कॉस इनवर्स 4x³ - 3x और इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू द एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मतलब आपको ये अगर मैं वाई इक्वल टू इसको मान लेता हूँ तो क्या निकालना है आपके पास है, वही dy/dx निकालना है। ठीक है, dy/dx निकालना है। तो अब देखिएगा, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मैं अगर यहाँ पर x को अगर मैं cos थीटा से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये cos 3θ का क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, cos 3θ का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है, 4cos³ - 3cos θ ये बन जाता है आपके पास में, वो किसका बन जाता है, cos³θ का। तो अब मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो कि एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे अपन, cos θ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक्स बराबर cos θ पुट कर दो, ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू cos इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास में, 4cos³θ - 3cos θ। और ये फॉर्मूला किसका होता है आपके पास में, cos³θ का। तो cos³θ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में कि y इक्वल टू cos इनवर्स और ये क्या हो जाएगा, cos³θ। ठीक है, cos इनवर्स से cos θ कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपके पास y इक्वल टू क्या बचा, 3θ। और यहाँ से थीटा बराबर निकलेंगे तो थीटा बराबर क्या निकलेगा आपके पास में, थीटा बराबर बताओ, यहाँ से थीटा बराबर निकलेगा आपके पास में क्या कि cos इनवर्स x, यहाँ से थीटा बराबर क्या निकलेगा, cos इनवर्स x। यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 3cos इनवर्स x। ये हो गया। अब आपका कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर दो। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। तो अब यहाँ से पता चलेगा कि वाई का तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा बराबर 3cos इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का क्या होता है, 3 तो ऐसे कांस्टेंट रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है कि माइनस के 1√1 - x²। ठीक है, 3 का इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, dy/dx = -k³√1 - x²। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके अपन किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड कहलाता है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। इसी तरीके का अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन ये है क्या है कि ये आपके पास में क्या है कि साइन इनवर्स टू एक्स √1 - x², ये दे रखा है। अब आपको पता है कि यहाँ से अगर मैं एक्स बराबर sin θ पुट कर देता हूँ या cos θ पुट कर देता हूँ, दोनों से ही आपका क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा और वो sin 2a का बन जाएगा। तो sin 2a से क्या हो जाएगा आपके पास, रिप्लेस कर देंगे अपन। तो यहाँ से देखिएगा, अगर मैं ठीक है sin θ x = sin θ पुट कर दूँ या cos θ पुट कर दूँ, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो x को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये देखिए y = मैं क्या कर सकता हूँ, साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ x = मैंने क्या पुट कर दिया, sin θ पुट कर दिया। ठीक है, तो x = sin θ पुट कर दिया तो यहाँ पर ये होगा आपके पास में क्या, 2sin θ √1 - ये क्या हो जाएगा, sin²θ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - sin²θ बराबर क्या होता है आपके पास में, cos²θ। ये हो जाएगा आपके पास में साइन इनवर्स
अंडर रूट टू साइन थीटा, और ये कितना निकलेगा आपके पास अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो ओनली क्या निकलेगा कॉस थीटा निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू टू साइन थीटा, यहाँ से क्या निकलेगा आपके पास कॉस थीटा। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, तो आपको पता होगा कि टू साइन ए कॉस ए बराबर होता है आपके पास में क्या साइन टू ए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई साइन टू थीटा का वैल्यू हो जाता है। टू थीटा तो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा वाई इक्वल टू टू थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ले तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास में साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स हो गया तो वाई इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया के टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब इसका क्या कर दोगे डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ये आपके पास में क्या है क्या पुट कीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट रहेगा, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है आपके पास क्या वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कीजिएगा तो ये क्या टू से मल्टीप्लाई कर दो तो टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाता है आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और यही क्या हो जाता है अपन सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते। तो इस तरीके से अपन अगर किसी भी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सके अपन उसकी वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो ये मेथड क्या कहलाते हैं आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाते हैं, यानी मेथड क्या बोल देते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसे आपके पास में वाई इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू, अब देखिए इसमें डायरेक्टली बोल रहा है ना कि अपन x पर क्या पुट कर दें साइन पुट कर दें, तो y इक्वल टू आपके पास में क्या है साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। आपने क्या पुट किया है x बराबर साइन थीटा पुट किया है, क्यों पुट किया क्योंकि यहाँ से आपको पता चल रहा कि ये फॉर्मूला किसका बन सकता है अगर मैं एक्स पर आवर साइन थीटा पुट करता हूँ तो साइन थ्री थीटा का, साइन थ्री थीटा का तो थ्री थीटा का बन जाएगा। यहाँ से आपके पास में मिल जाएगा क्या कि वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या इसका फॉर्मूला बन गया आपके पास में साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, साइन थ्री थीटा का मिल गया तो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो वाई इक्वल टू आपके पास में कितना है थ्री थीटा, और थीटा बराबर यहाँ से क्या निकलेगा थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स निकलेगा, और वाई बराबर यहाँ पर क्या होगा थ्री साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री तो थ्री कॉन्स्टेंट रहेगा, और साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रहता है। ठीक है, साइन का कर दिया, अब यहाँ से थ्री का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है आपके पास थ्री अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या निकल जाता है आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाता है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास में फोर, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या पुट करना है आप देखिएगा कौन सी चीज़ पुट करने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Thank you.